कोरोना जो है काफ़ी फैलाव ले चुका है और ये देखने में आया है कि इसके अंदर बहुत से लोग इसकी रिपोर्टिंग समय पर नहीं करते, इसके कारण दिक्कत है। देखने में ये आया है कि लगभग 85% लोगों को जब कोरोना होता है वो आराम से रिकवर कर जाते हैं, लेकिन बाकी बचे 15% में से 10% लोग ऐसे हैं जो हल्के मेडिकल हेल्प के साथ रिकवर कर जाते हैं। 5% लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए विशेष मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और इन 5% लोगों में से अगर व्यक्ति लेट रिपोर्ट करता है, अस्पताल में लेट आता है, तो उस वक़्त उसकी जान को खतरा बन जाता है। पीछे देखने में आया है कि बहुत से मरीज़ जब उन्होंने रिपोर्टिंग किया तो उनकी हालत ख़राब थी और वो 2-3 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। मेरा अनुरोध है कि कोरोना को हल्के में ना लें, इसको समय के ऊपर रिपोर्ट करें। अगर समय पर आपको मेडिकल हेल्प मिलेगी तो आपका इलाज हो जाएगा। प्रशासन के पास जिला के अंदर इसके मुकम्मल इंतजाम है और पूर्ण इलाज किया जा सकता है। हमारे पास सफिशेंट मात्रा के अंदर जो है बेड्स उपलब्ध हैं और पूर्ण इलाज किया जाने की स्थिति के अंदर जो है जिला प्रशासन के पास प्रबंध है। तो इसलिए मेरा लोगों से, जनता से अनुरोध है कि वो अपने बीमारी को छुपाएं ना और समय के ऊपर जो है इसकी टेस्टिंग कराकर इसका इलाज प्राप्त करें, जिससे कि किसी की मृत्यु ना हो। जिन लोगों को किसी प्रकार की बाज़ार में आने की आवश्यकता नहीं है वो बाज़ार में नहीं आए, लेकिन जब बाज़ार में से आना भी पड़ता है तो मास्क का प्रयोग करें। यदि मास्क का प्रयोग कर किया जाता है तो इसके अंदर इसके फैलाव के लगभग 99% चांसेस कम हो जाते हैं। यदि आमने सामने वाले दोनों व्यक्तियों ने मास्क लगा रखा है तो 99% उम्मीद है कि इसका प्रसार नहीं होता। लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते, लापरवाही बरतते हैं, इसके कारण कोरोना का फैलाव होता है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि घर से बगैर मास्क के बाहर ना निकलें।